हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइस, इस टाइम पे मैं हूँ किचन में, और किचन में मैं गर्मा रही हूँ दूध, क्योंकि 2 दिनों से दूध वाला नहीं आया है, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए पैकेट वाला ही दूध मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। और गाइस, ये है बेसन, और आज बेसन का कुछ खास बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है। और ये है कटहल गाइस, क्योंकि मुझे कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मेरे पति देव कटहल लेके आए हैं। कटहल और चावल मुझे इतना पसंद है कि इसके आगे पनीर फेल है। किस किस को कटहल ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना, कटहल की सब्ज़ी। और गाइस, ये जो कटहल के आगे का मोटा वाला रहता है, इसको मैं निकाल रही हूँ टाइट वाला, क्योंकि कटहल तो काट के देते हैं, छील के देते हैं, मगर वो काटते नहीं हैं, यानी आगे का वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको एक एक करके मैं निकाल दूँगी, क्योंकि खाने में भी ये अच्छा नहीं लगता, इसका टेस्ट भी नहीं, क्योंकि ये टाइट टाइट रहता है। कटहल तो पूरा पक जाता है, मगर ये नहीं पकता है। तो गाइस, कटहल की रेसिपी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में कटहल की रेसिपी डाल चुकी हूँ। और गाइस, यहाँ पे कटहल का मैंने आगे का काट के रख लिया है, और इसके बाद भी मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। तो आपको गेस हो गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, क्योंकि प्याज भी है और बेसन भी है, और बारिश का सीज़न भी है, ठंड भी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या खाने का मन करता है। तो गाइस, आज मैं बनाऊँगी प्याज की पकौड़ियाँ, और यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी काट रही हूँ। मैं यहाँ पे स्पीड भी बढ़ा दी हूँ, और इसके पीछे का यानी कि मोबाइल के पीछे मेरी बच्ची खड़ी हुई, उसी से थोड़ा सा मैं बात कर रही थी, और प्याज काटते समय मेरे आँख में आंसू भी आ रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, और 4 प्याज लिए हैं, बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। और किसको किसको पकौड़ियाँ प्याज की पसंद है कमेंट ज़रूर करना चाय के साथ में। तो गाइस, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, आप लोगों का थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पे लगभग मेरा प्याज कट गया है, और मैं मोबाइल को थोड़ा सा घुमा रही थी, क्योंकि पूरा वीडियो साफ दिखना चाहिए, इसके लिए मोबाइल को थोड़ा सा घुमा रही थी। और गाइस, पतला पतला ही मैंने प्याज काटा है, और पकौड़ियाँ खाने के लिए आ जाओ आप लोग भी, क्योंकि आप लोगों का भी वेट कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने प्याज मेरा कट गया है, फिर उसके बाद मैंने डाला है बेसन, और बेसन डालने के बाद फिर उसमें मैंने डाला है जीरा, और फिर उसमें नमक मिलाएंगे गाइस, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ पे धनिया पत्ती लिए हैं, और एक मिर्च लिए हैं, क्योंकि बच्चे मेरे तीखा नहीं खाते हैं, इसके लिए मैंने एक ही मिर्च ली है, ज़्यादा मिर्च नहीं ली है। और धनिया पत्ती मेरी कट गई है, और फिर इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे पत्ती लगभग कट ही गई है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद इसको चम्मच से ही मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा हींग मिला दिया है, और फिर उसके बाद, और गाइज एक बात और बोलेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। और गाइज, आज मैं वीडियो 3 बजे से अपलोड कर रही हूँ, मगर मेरा आज वीडियो ही नहीं अपलोड हो पा रहा, जैसे ही लगाती हूँ वैसे ही फेल फेल लिख के आ रहा। अब देखो मैं ट्राई कर रही हूँ फी होता है कि नहीं होता। तो गाइज, यहाँ पे देखो मेरी बन रही पकौड़ियाँ, अब मैं एक एक करके डालने लगी हूँ। इंडक्शन पे मैंने कढ़ाई रख दी है, और तेल भी गर्म हो गया है, और इसको एक एक करके अब डालने लगी हूँ। तो जल्दी से आ जाओ आप लोग खाने के लिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे सच्ची में बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइज, तो गाइज इस साइड मेरी पक रही थी चाय गर्मा गर्म, और इधर निकाल लिए मैंने पकौड़ियाँ, और बच्चों को मैंने पहले ही प्लेट में दे आए हैं, और क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं, चाय मैं और मेरे हस्बैंड ही पियेंगे। और चाय अब देखो पक गई, अब इसको मैं छान रही हूँ, छानने के बाद इसको कप में डालूँगी, और जो ये ज़्यादा कप में है चाय वो मेरे हस्बैंड पियेंगे, और जो थोड़ा सा कम है वो मैं पीऊँगी चाय। और
और गाइस पता नहीं क्यों मेरे वीडियो में येलो डॉलर आ रहे हैं। अगर आप लोगों के भी वीडियो में येलो डॉलर आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और मैंने देखो चाय छान ली है और अब ये देखो लगी हुई है और सामने हस्बैंड बैठे थे, इसके लिए मुझे हंसी आ गई। और गाइस यहाँ पे देखो मैं आ गई हूँ बाथरूम में और आज धुलने हैं मुझे, ज़्यादा तो कपड़े नहीं हैं मेरे और बेडशीट हैं क्योंकि बच्चों के और हस्बैंड के स्टोर करके रख दिए हैं, क्योंकि अभी धूप नहीं निकल रही तो इसके लिए उन लोगों के कपड़े नहीं धुले हैं और यही कुछ कपड़े हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब म्यूजिक सुनिएगा।